हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि चाइल्ड केयर लीव क्या है, इसके क्या क्या प्रावधान हैं, कब इंट्रोड्यूस किया गया, चाइल्ड केयर लीव में स्पेशल प्रावधान क्या क्या है, क्या चाइल्ड केयर लीव बाकी लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है कि नहीं, साथ में क्या चाइल्ड केयर लीव के दौरान आप विदेश जा सकते हैं कि नहीं, चाइल्ड केयर लीव में आपको सैलरी क्या मिलेगी और चाइल्ड केयर लीव के समय आप लीव इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं या नहीं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें मैं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि चाइल्ड केयर लीव का क्या हिस्ट्री है और कैसे इसको लागू किया गया है। तो चाइल्ड केयर लीव सिक्स्थ पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे, जब सिक्स्थ पे कमीशन लागू हुआ उसके बाद इसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय रेल में और 1 सितंबर 2008 को इसे लागू किया गया। ऑल दो जो इसकी पॉलिसी आई वो RBE 158/2008 के माध्यम से 23 अक्टूबर 2008 को आई, जिसमें इसके बारे में चाइल्ड केयर लीव के बारे में डिटेल में बताया गया। लेकिन फिर इसमें बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी कि सैंक्शन कौन करेगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, तो इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन इशू किया गया जो RBE 195/2008 के तहत था। इसमें जो क्लैरिफिकेशन इशू किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन हैं, जैसे CCL ये मैटर ऑफ राइट के रूप में डिमांड नहीं किया जाएगा, CCL प्रॉपर अप्रूवल के बाद ही कोई जा सकता है, CCL को अर्न लीव की तरह ट्रीट किया जाएगा, CCL में सैटरडे संडे या कोई हॉलीडे है तो उसको प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में आप ले सकते हैं, CCL आप तभी अवेल कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में EL नहीं हो। ये सारी चीजें इस पॉलिसी के तहत बताई गई। बाद में अगर हम कोई मेजर क्लैरिफिकेशन की बात करें तो RBE 64/2019 के तहत बहुत ही मेजर क्लैरिफिकेशंस इशू किए गए या एक मैग्ना काटा के रूप में क्लैरिफिकेशंस था और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खासकर ग्रुप बी सिलेक्शंस में, उसमें आपको हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो RBE 64/2019 है उसमें क्या क्या क्लैरिफिकेशंस इशू किए गए हैं। सबसे पहली बात, इसमें बताया गया है कि मैक्सिमम कितना दिन तक छुट्टी दिया जा सकता है। इस आरबीई में बताया गया है कि 2 साल अर्थात 735 दिन की CCL दी जा सकती है। इसमें यह भी डिफाइन किया गया है कि चाइल्ड क्या है और चाइल्ड का एज कितना होगा, मैक्सिमम कितने चाइल्ड के लिए दिया जाएगा। जैसे इसमें कहा गया है कि 2 चाइल्ड के लिए ही मैक्सिमम दिया जाएगा, 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई डिसेबल बच्चा है जो 40% से ज्यादा डिसेबल है तो उस केस में 22 वर्ष तक के एज में भी इसे दिया जा सकता है। सिंगल मेल चाइल्ड रेल सर्वेंट कौन होगा इसके बारे में भी इसमें क्लैरिफिकेशन बताए गए हैं। यह भी बताया गया है कि इसमें जो कितने स्पिल में लीव दिया जाएगा और लीव अगर वो फीमेल एम्प्लॉय है, उसके सिंगल फीमेल एम्प्लॉय है तो उसके लिए जो 3 बार का जो स्पिल है उसको बढ़ा के 6 बार भी किया जा सकता है। वैसे अगर कोई प्रोबेशन पीरियड में है तो उस प्रोबेशन पीरियड में जनरली CCL नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि बहुत ही अधिक जरूरत है तो ऐसे केस में दिया भी जा सकता है। जो चाइल्ड केयर लीव है, इनिशियली जो प्लान था, इनिशियली जो क्लैरिफिकेशन और पॉलिसी इशू की गई थी उसमें मिनिमम 15 दिन का था, जो बाद में घटाकर 5 डेज कर दिया गया है। चाइल्ड केयर लीव में जो पहला 365 दिन है वो 100% सैलरी पे, जो आपके लास्ट ड्रॉन सैलरी है उतना उसमें पेमेंट की जाती है, सैलरी दी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 365 डेज है उसमें 80% ही सैलरी दी जाती है। उसी तरह से यह भी क्लैरिफाई किया गया कि CCL को कम्यूटेड लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है और जो CCL है वो लीव अकाउंट, जनरली जब आप छुट्टी लेते हैं तो आपके लीव अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है EL, उस तरह से इसमें डिडक्शंस नहीं होगा। इसमें अगर कोई एम्प्लॉई बाहर जाना चाहता है, फॉरेन जाना चाहता है, तब भी वो फॉरेन जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो अप्रोप्रिएट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है फॉरेन लीव के लिए, एक्स इंडिया लीव के लिए, वो आपको लेना पड़ेगा और फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली इस लीव में जो सैटरडे संडे और गेस्टेड हॉलीडे है वो पहले ही क्लैरिफिकेशन इशू किया गया था, उसके तहत भी वो लिया जा सकता है प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में। अगर देखें कि कितना गैप होना चाहिए 2 CCL के बीच में, तो बिना गैप कोई भी ऐसा गैप की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है।
इसी तरह से अगर देखें कि एडॉप्टेड चिल्ड्रन है उसमें चाइल्ड केयर लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसमें बताया गया कि एडॉप्टेड चिल्ड्रन को सेम जो आपके नॉर्मल अपने चिल्ड्रन है उसके रूप में ट्रीट किया जाता है, इसलिए सारी प्रोसीजर्स वही फॉलो की जाएगी। ड्यूरिंग CCL क्या आपका जो LAP है और LHAP हो क्रेडिट होगा? तो हाँ, जैसे EL में होता है वैसे इसमें क्रेडिट होगा। जो एक मैक्सिमम लीव देने का प्रावधान है वो 5 साल है, तो क्या इंक्लूडिंग हो या एक्सक्लूडिंग होगा? तो CCL उसमें इंक्लूडिंग होगा, उससे ज्यादा 5 साल से ज्यादा किसी भी हाल में आप एक स्पेल में छुट्टी नहीं ले सकते हैं। HRA एडमिसेबल होगा कि नहीं? तो जो जिस तरह से HRA एडमिसेबल होता है EL में, वैसे ही इसमें भी HRA, इसमें जो फीमेल एम्प्लॉय के लिए जो होगा वो HRA एडमिसेबल होगा। इन केस ऑफ रेलवे फीमेल ऑफिसर, उनका बंगलेपुन रहेगा, रिटेन किया जाएगा कि नहीं? तो उसमें बंगलेपुन रिटेन किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। और अगर इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा ये है, तो इसमें इंक्रीमेंट लगेगा, लेकिन वो इफेक्ट तभी होगा जब जिस दिन वो ड्यूटी पे रिपोर्ट करेंगी। इसमें दूसरा जो दिया गया है वो एक राशन मनी अलाउंस है। RPF के फीमेल रेलवे सर्वेंट अगर वो प्रोसीड करती है CCL पे, तो क्या उनको जो राशन मनी अलाउंस है वो दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो इनका इसमें प्रावधान है कि 60 डेज के लिए फुल रेट पे राशन अलाउंस दिया जाएगा और नेक्स्ट 60 डेज के लिए हाफ रेट पे राशन अलाउंस दिया जाएगा और उसके बाद राशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। तो आपने देखा कि क्या क्या प्रावधान इसमें दिए गए हैं चाइल्ड केयर लीव में, और चाइल्ड केयर लीव एक बहुत ही इंक्लूसिव पॉलिसी है गवर्नमेंट की। इसके तहत जो हमारे फीमेल एम्प्लॉय हैं या जो सिंगल रेलवे सर्वेंट है उनको बहुत ही अधिक असिस्टेंस मिलता है अपने बच्चे के केयर के लिए, लुक आफ्टर के लिए, इन केस ऑफ सिकनेस के लिए, इन केस ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। तो इस पॉलिसी की वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने फैमिली और जो अपना वर्क है दोनों के बीच में बैलेंस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से जो CCL है उसके क्या क्या प्रावधान हैं और क्या क्या बेनिफिट इसमें दिए गए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस ग्रुप बी एग्जामिनेशंस में या नॉर्मल जो आपके LDC एग्जामिनेशन उसमें पूछे जाते हैं। तो जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है इसका आप ध्यान रखें, खासकर क्लैरिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है जो RBE 64/2019 के तहत और RBE 195/2008 के तहत, इन क्लैरिफिकेशन को विशेष ध्यान रखें, इससे आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर पाएं। थैंक यू।